नमस्कार, मैं अनुपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में प्याज लोगों को रुला रहा है और वही टमाटर लोगों के होश उड़ा रहा है। देश में प्याज के रेट आसमान पर है, पुराना स्टॉक खत्म हुआ और नई फसल पूरी तरह आई नहीं। प्याज आजादपुर मंडी में थोक के भाव में 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो आम खुदरा बाजार में ये रेट 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। प्याज की आवक में भी भारी कमी आई है और कई जगहों में भारी बारिश होने के कारण प्याज की नई फसल बर्बाद हो गई है। यही वजह है कि बताया जा रहा है कि प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात यह है कि लोगों ने प्याज खरीदना बंद कर दिया है। जब हमने एक घर में टमाटर और प्याज के दाम पूछे तो महिलाओं का कहना है कि प्याज के दाम सुनकर उन्होंने प्याज खरीदना छोड़ दिया है और टमाटर भी थोड़ा ही खरीद कर काम चला रहे हैं। से दिल्ली के राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। दाम बढ़ रहे हैं, कितना फर्क पड़ा है? पहले क्या मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है आपको, और रसोई में कितना फर्क पड़ा आपके इससे? ये प्याज के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। पहले तो ये 40-50 मिल जाता था, लेकिन अब तो 60-70-80 तक पहुंच गया है। इससे हमारा रसोई का बजट बहुत गड़बड़ा गया है। प्याज तो हमने लेनी ही बंद कर दी है, सिर्फ टमाटर ही, और टमाटर के दाम भी इतने बढ़ गए हैं कि पहले 40 मिल जाता था, अब 60 और 70 मिलता है। बीच में तो 80 तक पहुंच गया था। इसलिए हम बताइए, इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्या करा जाए? और टमाटर तो हम लेते हैं, अभी थोड़ा बहुत लेते हैं, जैसे पहले 1 किलो लेते थे, अब 0.5 किलो में ही काम चला रहे थे। बताइए, जब टमाटर और प्याज नहीं होगा तो कैसे स्वाद आएगा सब्जी? लगातार रेट बढ़ रहे हैं सब्जियों के, उसको लेकर के, और रसोई में कितना फर्क पड़ा आपकी? रसोई में तो बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि सारी सब्जियां मोस्टली टमाटर के बिना तो कोई सब्जी बनती ही नहीं है। तो अगर टमाटर ही इतना महंगा हो जाएगा तो फिर सब्जी में हम स्वाद भी नहीं आएगा, रंग भी नहीं आएगा। तो और पहले तो 40-50 रुपए मिल जाता था नॉर्मल टमाटर अच्छा वाला, लेकिन अब तो 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है। और उसके बाद प्याज भी बहुत हाई रेट हो गए हैं, उसके भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इस वजह से बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि थोड़ा इन चीजों के रेट कम करें, जिससे कि आम आदमी जो है वो थोड़ा सही से अपना गुजारा कर सके, सही से अपनी रसोई को चला सके। तो हम लोगों के लिए यही तो सब है। अब इसी चीज में अगर बढ़ोतरी हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। राजीव कुमार रंजीत जी, अभी क्या टमाटर के क्या रेट चल रहा है? जी, थोक में 40 से 50 रुपए किलो तो मंडी में है, फुटकर में 70 से 80 रुपए किलो होगी। पहले क्या रेट था? अभी पहले 20 दिन पहले 30 से 40 रुपए थी, 20 दिन से तो यही रेट चला हुआ है, 40-50 रुपए किलो थोक में। आगे क्या रेट हो सकता है? आगे एमपी से अगर रतलाम टमाटर बढ़ा दिवाली के आसपास तो डाउन होंगे, नहीं तो डाउन होंगे। फिलहाल किस तरह से रहेगा अभी मार्केट के? मार्केट रेट अभी यही चलेगा 15-20 दिन। एमपी सही टमाटर निकला है, दिवाली के बाद ही जो होना होगा डाउन होगा। किस किस जगह से टमाटर आती है? अभी आंध्रा से आ रहा है और महाराष्ट्र से। सर अभी प्याज का क्या रेट चल रहा है? अभी प्याज का रेट चल रहा है 20 से लेकर 40 रुपए किलो। जो नया माल कर्नाटक से आ रहा है वो माल डैमेज ज्यादा आ रहा है, 20-25-30-35-40 हर माल मिल रहा है। इसके बाद जो पुराना प्याज आ रहा है उसमें भी माल खराब ज्यादा हो गया है, तो 20 से लेकर 40 का भाव समझो। यहाँ आज से 10 दिन पहले क्या रेट था? 10 दिन पहले 40-45-50 था, अभी पोजीशन जो है वो 20 से 40 चल रही है। अभी आने वाला टाइम में क्या इसका रेट कम हो सकता है? नहीं, कम नहीं, रेट यही रहेगा। तो अभी का जो नया माल पे बाहर पानी पड़ रहा है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश जो नया माल चालू होता है वहाँ बरसात पड़ रही है, बरसात पड़ने से वहाँ से माल खराब ज्यादा हो रहे हैं, तो बाजार यही रहेंगे 20-25-40 भैया, 20-25-30-40-50 बाजार रहेंगे। किस जगह से माल ज्यादा आ रहा है? माल इस समय कर्नाटक से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, ज्यादा माल कर्नाटक और महाराष्ट्र से आ रहा है।